फाइंड मोड में मोड फाइंड करना है हमें, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक को बोलते हैं जेड, जेड फाइंड करते हैं, बहुलक ज्ञात करते हैं। हमें नया कुछ भी कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। और यहां पर देखो जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, हमें इस पर इसको ध्यान देना, ये वाला जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो रहेगा, तो ये कहलाएगा आपके एफ जीरो, ये कहलाएगा आपका एफ वन, और ये कहलाएगा आपका एफ टू। और अगर आपको जेड फाइंड करना है तो लगाओ जेड फाइंड करने का फॉर्मूला, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, टू इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये फॉर्मूला है आपके जेड फाइंड करने का। एल वन, एल मतलब होता है आगे वाला नंबर जो दे रखा है आपके 40, एफ वन माइनस एफ जीरो मतलब ये और ये, मतलब 20 माइनस 12, और यहां आने वाला है 2 इंटू 20 माइनस 12, पीछे दे रखा आपके 11 इंटू एच, मतलब होता है गैप, कितना कितना गैप है, 10 10 का गैप है, तो ये आने वाला है आपके 10। इन दोनों को लिखेंगे ऊपर, फिर इसके पीछे ये और ये, और फिर टू से मल्टीप्लाई करना। देखो अगर आपको जेड फाइंड करना है तो ये हो जाएगा आपके 40 प्लस, तो ऊपर अगर माइनस करते हैं तो आता है 8। अब यहां पर देखो ये कितना होता है 40, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये आता है आपके 23 माइनस का। अगर मैं माइनस करता हूं तो आता है 17। हमें यहां पर कितना लेना है, 17 लेना है इंटू 10 यहां पर। और अगर आपको यहां पर जेड फाइंड करना है, ये कितना दे रखा आपके 40 प्लस 8 10 80 बाई 17। अगर जेड फाइंड करना है तो 40 का 40 प्लस करेंगे यहां पर, 17 का डिवाइड करो, टेबल आनी चाहिए 17 की, 17 4 जा 68, इधर दिया 12, अब जाएगा आपके 7 टाइम लगभग, 17 7 जा 1 7 1 1 9 होता है, तो आपका जो जेड है वो आने वाला है 44.7, और ये होने वाला है इसका आंसर। और ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, हाफली में आता है, मीन मोड मीडियन तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए।